नमस्कार, डिजिटल लाइटिंग इंडस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज डिजिटल इंडस्ट्री का जो नया एक आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। नया प्रोजेक्ट यही है, हम लोग जो डिस्टिल वाटर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा जानकारी दूंगा। जैसे जब डिस्टिल वाटर बनेंगे, बनने से पहले जो रो वाटर होता है, रो वाटर को आरओ वाटर से सबसे पहले इसका जो आयरन है, आयरन को रिमूव किया जाता है। आयरन रिमूव होने के बाद इसमें स्टोर होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जब इसमें रिमूव होगा, रिमूव होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगा आपका कुछ केमिकल प्रोसेस। इसी मोटर के थ्रू इसमें जैसे दो सिलेंडर लगा हुआ है, भैर्चल लगा हुआ है, भैर्चल के थ्रू हम लोगों को रो आपका जो आरओ वाटर है, आरओ वाटर को केमिकल प्रोसेस करके फिर जाके डिस्टिल वाटर यही जाके जैसे आपका डिस्टिल वाटर फाइनल बन के यहीं पे तैयार हो गया। तैयार होने के बाद हम लोग इसको रिफिलिंग करते हैं। रिफिलिंग करने का प्रोसेस भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे रिफिलिंग, यहाँ पे हम लोगों का रिफिलिंग हो रहा है। रिफिलिंग बनने के बाद कैसे दिखा रहा हूँ आपको सारा चीज। यह हम लोगों का ऑटोमेटिक सिस्टम वाला मशीन हम लोग खुद बना हुआ है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें आपका जब एक लीटर जब इसमें फुल हो जाएगा तो ये अपने आप, हम लोग जो सेंसर बना हुआ है ये सेंसर के थ्रू आपका कार्ड हो जाएगा। जैसे अभी इसमें एक लीटर जब हो जाएगा, आपको दिखा रहा हूँ, एक लीटर हो गया तो ये मशीन अपने आप बंद कर हो जाता है। ये अभी खाली लगा हुआ है ना, ये मतलब ऑटोमेटिक मशीन है, हम लोगों का खुद का तैयार किया हुआ है। अगर ऐसे रिफिल, किसी को रिफिलिंग करने वाला कोई मशीन चाहिए, हम लोगों से कांटेक्ट करने से वो भी मशीन मिल जाएगा। हम लोग उसको खुद तैयार करते हैं। रिफिलिंग करने का प्रोसेस जो होता है पूरा अच्छा तरीके से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। स्टार्ट दो, एक लीटर फुल हो गया, अपने आप मशीन बंद हो गया। फिर 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा उसको लगाने के लिए। फिर अभी स्टार्ट हो गया, जब रिफिलिंग हो जाता है होने के बाद इसको लेवलिंग किया जाता है। जैसे हम लोग इसे सारा लेवल करके, लेवल एंड सील मार के रखा हुआ है। जैसे इसका यहाँ पे एक सील लगा हुआ है, सील होने के बाद इसमें लेवल लगेगा। लेबल में सारा चीज़ आपको दिखा देगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसके बारे में, आपका इसका MRP कितना है और कौन सा कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सारा चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यही होने के बाद इसको हम लोग मास्टर कार्टन में पैक किया जाता है। पैक करने के बाद सेल आउट करने के लिए मार्केट में निकल जाता है। अगर किसी को डिस्टिल वाटर चाहिए, हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में या अभी जो वीडियो चल रहा है, वीडियो में कॉन्टेक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है, उसके थ्रू कॉन्टेक्ट करके आप लोग बाय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप लोग इसी थोड़ा और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करिएगा। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे आप लोगों का जो वीडियो देखना चाहते हैं उसको वीडियो अपलोड करने के लिए।